24 घंटा को मारत्रस्त हो गो। हाँ कितकन निकला आम, हम तो पढ़ भी गया उरे, दो तीन बार तो पढ़ चुके आम उरे। सकता है ये सरपंच की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। गांव समाज खूब वो कर रहे हैं कि हम इसको साफ करें, पर सरपंच नहीं होने दे रहा। ये बोलो तुम्हारे फांसी लगवाऊंगा और तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा कैसे पानी निकालते हैं, इसलिए सफाई नहीं किया। और मेरी दो भैंस मर चुकी है, यहाँ मरी गई जो एक एक लाख की भैंस थी, जो दस दस बीस बीस में दी। मेरा मकान देखो, वहाँ कीड़ा चलते हैं, कीड़ा बड़े बड़े कीड़े चलते हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन। कोसली विधानसभा के गांव गुगोड में आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलियों के जो हालात हैं गांव के अंदर की, वो आपके सामने हैं। किस कदर आप देखें, गली के अंदर पूरी गली में पानी भरा हुआ है और पानी भी बिल्कुल गंदा है, सड़ा हुआ पानी है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से लोगों को हर रोज़ गुजरना पड़ता है, तो इन्हीं लोगों से कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ मौजूद हैं और पीछे जो पुरुष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जिस तरीके से लोग जाते हैं, यहाँ से गुजरना पड़ता है इनको, तो वो आप देख सकते हैं कितनी जो तकलीफ़ें हैं उनका सामना यहाँ से इनको करना पड़ता होगा, क्योंकि पानी के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ पे गली जो बनी हुई है उसका आप यहाँ पे एक बार नुमाइना अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे पूरी गली के अंदर पत्थर रखे हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ से गली अगर पार करनी है तो इनको इन पत्थरों के ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी के अंदर पैर रख के जाना पड़ेगा, जो कि बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आंगनबाड़ी वगैरह भी यहीं पे मौजूद है नज़दीक ही। और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी भी जो दीवार है वो भी इसी के अंदर आती है। और बाकी गांव के जितने भी लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, और अगर इन्होंने जहाँ भी बात की होगी तो उसके विषय में भी हम इनसे जानने की एक बार कोशिश करेंगे। माता जी आप बताएं कि क्या ये पूरा मामला है और आप लोगों को यहाँ से जाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? हमने तो सारी दिक्कत से रोटी भी लिया, गोबर भी लिया, 24 घंटा को मारत्रस्त हो गो। हाँ कितकन निकला आम, हम तो पढ़ भी गया उरे, दो तीन बार तो पढ़ चुके आम उरे। हाँ कितकन निकला, एलर्जी हो रही से हमारे सारा पाव खराब हो रहा है। हाँ और भी लोग इनसे भी हम जान लेते हैं। माता जी आप बताएं क्या क्या तकलीफें होती हैं? मेरी सबसे बड़ी यही से, अब मैं 80 साल उम्र हो रही, अरे का माँ के निकलूँ सो बीमार होगी, ठीक है, तो मैं तो बहुत दुखी सो। बदबू वगैरह भी आती होगी आसपास, सारे कीटाणु बनेगा जी। हाँ बहुत दुख सा। तो आप देख सकते हैं और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या क्या तकलीफों का यहाँ से सामना करना पड़ता है, और रोज जो लोग यहाँ से निकलते हैं उनको कौन कौन सी दिक्कतें सामने आती हैं? इनमें एलर्जी होती है, मच्छर है वो लड़ जाते हैं, बीमारी पैदा हो सकती है, कोरोना वायरस भी फैल सकता है। ये सरपंच की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। गाँव समाज खूब वो कर रहे हैं कि हम इसको साफ करें, पर सरपंच नहीं होने दे रहा। तो आप देख सकते हैं ये आरोप भी यहाँ पे लग रहे हैं, तो सरपंच के बारे में बोला जा रहा है। और जो यहाँ पे पुरुष वर्ग मौजूद है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हो रही हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका कारण क्या है। सर आप बताइए कारण क्या है, किस वजह से भरा है ये पानी? ये सरपंच की मिली भगत के कारण ये हो रहा है कि सरपंच सफाई कर्मचारियों को सफाई करने नहीं देता, और ये जबरदस्ती हरिजन कॉलोनी के बाहर वो है उनके आगे उनके कहूँगा एक बार वो उधर आपको दिखाए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो वहाँ से महिलाएं गुजर रही हैं उनको भी आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गुजर रहे हैं। और यहीं से इसी गली से इनको निकलना पड़ता है, अपने जो भी जूते चप्पल इन्होंने पहने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं हाथों में लेके इनको गुजरना पड़ता है यहाँ से, और कभी भी इस गंदे पानी के अंदर ये गिर सकते हैं, ये भी खतरा हर समय बना रहता है। तो आप बाकायदा देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस गली के अंदर से लोगों को कैसे गुजरना पड़ता है, और पूरे के पूरे जो ग्रामवासी हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनको हर दिन इन्हीं तकलीफ़ों से और इसी पानी की वजह से जो दिक्कतें हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। अब हम जो बाकी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के सरपंच इन चीज़ों पे क्या कदम नहीं उठा रहे हैं, और आगे भी क्या इनने प्रशासन से भी इस तरीके से इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है या नहीं की है। जी सर आप बताएं, आप जो कह रहे थे ये कारण क्या है इस पानी का भरने का? ये सफाई कर्मचारियों से नए काम करवा के ये इनका अपने मिलाया है हरिजन कॉलोनी को परेशान करने के लिए, ये भी हरिजन है, हरिजन भाई है जो सरपंच बना हुआ है उसको परेशान करने के लिए उनका पानी आता है हरिजन कॉलोनियों का और इनका, तो अब ये लाइन है ना ये बंद नहीं करवा के, और उन्होंने वोट न देने के कारण इनका ये बोलो तुम्हारे फांसी लगवाऊंगा और तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा कैसे पानी निकालते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारियों को ना मतलब सफाई ना करवा के, और ये पन्नी वगैरह हैं वो उसमें
में लाइन ब्लॉक करवा दी इन्होंने, और उसके बाद अंदर फिर पानी खड़ा होगा और महामारी मतलब फैल रही है वहाँ तो बहुत, ये हमने एलर्जी वगैरह पैदा हो गई। और लेडीज वगैरह जाती है तो उनको मतलब वो गिर भी गई कहीं, तो उनके पैर में मौत आ गई थी, एक तो लेडीज वो थी और उनको मतलब नाली वगैरह है ये बिल्कुल भी ब्लॉक ही कर गए जी। क्या गांव में सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी है। तो सरपंच उनको करने नहीं दे रही है आप कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन कहते वहाँ हमने एप्लीकेशन लाया बीडीओ साहब के, तो वहाँ आए तो फिर एक दिन क्या किया बोले फोटो खींच लो ऐसा थोड़ा सा दो पन्ने और निकाल के कसिया मार के और उनका फॉर्मेलिटी पर करवा देते हैं पूरी बस। वो अपने हमने अपने सांसद है अपने अरविंद जी तो उनके एप्लीकेशन लगाई हमने, वो अपने जिला पार्षद है शारदा देवी उससे एप्लीकेशन लगाई हमने, तो उन्होंने वो आगे एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड की तो अपने सांसद साहब से कही, तो सांसद साहब ने अपने गाड़ियाँ वो भेजी और तो आई, उसके लिए क्या किया उन्होंने गाड़ी खड़ी करके और भाई इसकी फोटो खींच लो बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करके और वो चले गए। फिर वो काली फॉर्मेलिटी करवाता है ये खड़ा होकर नोल फोटो खींच लो आगे सरपंच को फोटो आना चाहिए, आप फोटो दिखा दिया हाँ भाई यहाँ करवा दिया सफाई सफाई कुछ नहीं हुई। ये तो आपके सामने स्पष्टीकरण है देख आपको दिख रहा है कि वास्तव झूठ है सच चाहिए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसे काम हो रहा है कि दिखावे का काम है लेकिन काम जमीनी स्तर पे कुछ हुआ नहीं है। आप बताएं क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहां कहां आप लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं? मैंने बीडीओ साहब के एप्लीकेशन लगाई जी, बीडीओ साहब ने कहा ठीक है हम करवाएंगे, उसके बाद करीब 6 महीने हो लिए एप्लीकेशन ने कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद एमएलए साहब से मिले, एमएलए साहब भी बोले हाँ ठीक है करवाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद हम सांसद है हमारा उसके पास एप्लीकेशन लगाई, उसने कहा भाई ठीक है, वो गाड़ी आई कोई समाधान नहीं किया। और मेरी 2 भैंस मर चुकी हैं यहाँ, मरी गई जो 1-1 लाख की भैंस थी जो 10-10, 20-20 में दी है। और सरपंच ने कहा कि अभी से क्या है तेल तुम्हारा निकालूंगा, ये बात कहता है सरपंच की वर्डिंग है कि आप लोगों का तेल निकालूंगा और आगे आने वाला 5 साल जब भी नहीं छटने दूंगा इसको जी, ये वर्ड है सरपंच के। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। मेरा पड़ोसी है उनसे पूछो अगर ये हादसा नहीं हुआ हो तो, मेरा मकान देखो वहाँ कीड़ा चलते हैं, कीड़ा बड़े बड़े कीड़े चलते हैं, नजदीक ही रहते हैं यहाँ, बिल्कुल नजदीक है मेरा घर ये रहा, ये प्लाट है जी यहाँ रहता हूँ मैं। सर आप बताइए क्या एक माहौल बना हुआ है, लोगों का यहाँ से गुजरना दूभर हो चुका है लेकिन आप लोग इन दिक्कतों से दो चार होते हैं। सरपंच के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से सरपंच का व्यवहार है, क्या आप लोग उनको बार बार जाके बताते नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं? सरपंच साहब से हम मतलब काफ़ी इसके बारे में खूब रिक्वेस्ट कर चुके और सरपंच ने मतलब हमारे से तो ये कही मेरी 283 शिकायत हो चुकी, अगर आप इसकी मतलब करने दोगे तो मैं इसकी कार्रवाई को नहीं होने दूंगा। और उसने अपनी पूरी ताकत से इस मतलब काम को रोकने में पूरा मतलब बाधा डाल रहे हैं। और हम सब ये सारी सर्वसम्मति से पंचायत लेवल से सरपंच से लेके और ऊपर तक सभी आदमियों से मिले और मिलने के बाद में सभी का लिपा पोता करने देखने के लिए आज भी ये काम मौजूद है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हमने इसको ये हमारे गांव की मेन फिरनी है मेन रास्ता है, इसी में से मतलब मुर्दा घाट को जाने के लिए सभी अर्थी इसी रास्ते से निकलती है, सभी गाँव के ये जितने भी लेडीज हैं सभी को कूड़ा करकट डालने के लिए हमारी फिरनी है मेन फिरनी है, सभी के गड्ढे सभी इनको मतलब इतनी भारी परेशानी जो कि मतलब इनकी अनदेखी करी जा रही है। हम 2 बार मतलब सांसद ये अपने विधायक जी हैं लक्ष्मण जी इनके पास 2 दिन लगातार गए, इन्होंने भी हमने को बरगला के और ऐसे ही जे साहब को भेज के कभी आपका नक्शा ले रहे हैं कभी आपका ये फोटो बनवा रहे हैं, काम कुछ नहीं करा। अब हम एक दिन ये अपने मैडम है अपने शारदा जी इनसे जिला पार्षद जो मिले उन्होंने हमारे अपने सांसद जी से फ़ोन पर हमारा संपर्क करवाया, उन्होंने वीडियो साहब को ऑनलाइन मतलब बात करवा के और हमें को आश्वासन दिया जी 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन के अंदर हम उसकी निकासी करवा देंगे। उन्होंने फिर ये जे साहब को और वीडियो साहब को बताया, उन्होंने हमको यहाँ मौके पर आके पैमास करवा के और गोली दे दी, गोली देने के बाद में आज तक उसकी कोई नहीं सुनाई हुई। परसों ये मशीन आई थी, मशीन आई जो शिकायत करता थे जो मेन शिकायत इस गली की थी इसके बारे में तो कोई काम नहीं किया गया। और सरपंच ने उस मशीन को ले कर और वहाँ परली इस तरफ जो गाँव की चौपाल है वहाँ उसने काम करवा के और यहाँ आकर एक बार जो गाँव से दूर जाके एक गड्ढा है उसमें मतलब मशीन लगा के और उसने वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करके मशीन वाले को भेज दिया और बताया उसने ये अगर इसमें तेल खत्म हो गया जी। जी माता जी कुछ कहना चाहती हैं बताइए।
बस भाई यही कहना है और तो क्या कहना है। सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही, सरकार का काम है इसको मतलब विशेष तौर पे इस चीज को ध्यान में देखकर इस पानी की निकासी करवाई जाए। हमारी मेन लाइन है गांव की, आधे गांव का पानी इसी रास्ते से निकलता है, हम इस चीज से बड़े परेशान। हमने जी माता जी बताइए, इधर हमने मकान बना लिया तो 24 घंटा गांव में मकान है, इधर भी है तो आना जाना तो पड़ता है, कभी दूध लेके जा सके, कभी रोटी लेके जा सके, कभी ये ले कहां से खड़ा खड़ा, तो हम बहुत परेशान और उम्र भी देखो हमसे ना ज्यादा ही गिर गया सा, तो इसलिए हम तो तंग ही तंग सा। और हमने काफी कोशिश करी है काम के, हर काम के लिए हमें हर जगह बाधा डालते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो बार बार हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करें, कितनी दिक्कत इनको इस गली से हो रही है। जी बताइए क्या। हम जी आठ पंच हैं गांव के, हमारे आठ पंचों से हमारा कोरम नहीं है सरपंच के, क्योंकि सरपंच का व्यवहार खराब है, कभी किसी पंच को कहता है मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँ, मैं वो कर दूँगा, तो इसके लिए हमें MLA साहब के पास गए, DC के हमने एप्लीकेशन लगा ली, BDO के हमें, DDPO के हमें लगा ली, सबके ADC के पास हमें लगा ली, हाँ जी करवा देंगे। नाड़ ब्लॉक में आते हैं हमारे सबके भी रुक जाए से आती के साथ, CM विंडो भी हमारी रुक रही है, कई हमें कई CM विंडो लगा रखी है, हमारे पास फोटो कॉपी भी है उसके अंदर, वो नहीं बनी बात हो, हमारी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, नहीं BDO सुनता, नहीं JE सुनता, नहीं SDO सुनता, कुछ नहीं सुनता हमारे, हमें तो बस खाली ऐसे करते हैं, तुम पंच हो तुम्हारी नहीं, सरपंच का जो चलेगी वो सरपंच की चलेगी, हमारी कोई नहीं चलती है, हमें तो ऐसे कर देते हैं जा भाई, अगर जो सरपंच के पास जाते हैं तो वो SC एक्ट ये वो लगा के जी हमारे ऊपर पहले लगे हुए हैं, हमारे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस चला रखा है, आठ पंचों के ऊपर बता SC एक्ट लगा रखा है इसको जी, तो हम तो जी इसको इससे परेशान है, और ये घड़ी का हाल है, इसके अंदर कीड़ा चल रहा है। एक भाई के लिए गए थे ADC के पास, उसकी भैंस मर गई है दो, एक एक लाख रुपये उसको 10-10 हज़ार रुपये के वो है, अब भी उस प्लाट के अंदर कीड़े चल रहे हैं, देखो आप जाकर। तो ये भाई इसको कहता है मैं तो करवाता नहीं, चाहे कोई कितना बहना कर लो, विधायक से मिल लेते हैं और अनुबल में तो जीऊंगा, इतने नहीं होने दूंगा, ये गारंटी ले रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी है, और ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन भी ये दिखा रहे हैं हमें, ये इनकी एप्लीकेशन, मैं अपने सहयोगी कहूंगा कि एक बार वो एप्लीकेशन पे ध्यान दे और इसको दिखाने की कोशिश करें। उन्होंने एप्लीकेशन भी CMO के नाम पे यहाँ CM विंडो में यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन लिखी हुई है। और अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पूरी की पूरी गली के अंदर जिस तरीके से पानी भरा है और उसके बाद हमने सभी लोगों से बात की है, तो यहाँ इन बातों को जानने के बाद यही चीज़ें सामने आई हैं कि प्रशासन यहाँ आता ज़रूर है लेकिन सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बार बार इन्होंने सरपंच को भी शिकायतें की हैं, सरपंच बाकायदा इनका कहना है कि इन्हीं के खिलाफ है, और उसके बाद में अगर इन्होंने बात की है ऊपर चलकर अगर हम बात करें विधायक से और इन्होंने यहाँ के सांसद से बात की है ये बता रहे हैं, तो उसमें भी कुछ निकल के सामने नहीं आया, और उसके बाद अगर हुआ तो सिर्फ वही हुआ कि फ़ोटो खिंचवाने तक का जो काम है वो हो पाया, लेकिन गली का कोई समाधान नहीं हुआ। और गाँव के अंदर से जो ये रास्ता निकल रहा है यहाँ से बहुत से लोग क्या कि पूरा ही गांव लगभग यहाँ से निकलता है, और इन्होंने बताया कि ये एक मेन रास्ते के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से यहाँ से दिन भर लोगों को निकलना पड़ता है, और इसकी वजह से ही दिन भर इनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो आप देख चुके हैं किस तरीके से यहाँ पे जो माहौल था वो है, और गली के अंदर एक बार फिर से मैं अपने सहयोग कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वो ये हालात हैं, और आपके सामने सभी चीज़ें हैं। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।